हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। और ये ब्लॉग मेरा मंडे का है, मंडे का ये ब्लॉग है। और ये दोपहर का वीडियो है जो मैं नहा के आई थी और फिर ये कान्हा जी का प्रसाद बना रही थी। तो कान्हा जी के प्रसाद में आज मैं सेवियाँ बना रही हूँ। और ये सेमियाँ फ्राई कर रही हूँ मैं। और ये देखिए, ये चीनी, ये अलग से मैं चीनी रखती हूँ पूजा ये सब के लिए, तो वो चीनी फिर डालना है। और सिंपल से थोड़ा जल्दी मैं थोड़ा सा बनाना था तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं बना ली। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करी, बस सेमियाँ थोड़ा सा बना ली। कोई ड्राई फ्रूट ये सब भी नहीं डाला मैंने। तो ये सेमिया बन गया है और फिर ये मैं कान्हा जी के लिए निकाल रही हूँ। और इसके बाद फिर आ गई मैं ये पूजा रूम में पूजा करने के लिए। पूजा मेरा हो गया तो आज मेरा फास्ट है, तो फिर ना पूजा के बाद फिर चाय बना रही हूँ, चाय ले लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड ये देखिए, आज मैंने ये वाली ड्रेस पहना है। और अभी मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से नवरात्रा का सारा सामान लेके आई। सारा सामान तो मेरा खुदी की दुकान ही में है, जो कि अभी घर ही में रखा हुआ है सारा सामान, कल जाएगा दुकान। तो वो पूजा का सारा सामान मैं वहाँ से निकाल ली, बाद बाकी जो सामान था वो मैं मार्केट से अभी लेके आई हूँ। तो वो वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, आज नहीं। आज मैंने सूट कट की हूँ तो मैं आज उतना ही वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता है। तो जो सामान मैं लेके आई हूँ उसको कल शेयर करूंगी। और आज मैं बता रही हूँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे देवर गए थे, दिल्ली गए थे वो दुकान के लिए सामान सब लाने के लिए, तो वहाँ से मेरे लिए भी कुछ लेके आए हैं गिफ्ट, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ अभी आप लोगों के साथ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक की पर्स लेके आए हैं और एक ये वाली पर्स लेके आए हैं और एक सूट, ये सब मेरे लिए शॉपिंग करके लाए हैं। और फ्रेंड ये इवनिंग का क्लिप है, इवनिंग की क्लिप में मैं शाम के सब
मीन्स कि रात के, रात का खाना का तैयारी कर रही हूँ। तो रात के खाना में मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी और चावल और थोड़ा पकौड़ा बनाऊँगी, सिंपल सा। सिंपल क्या, सब्जी चावल तो नहीं, पकौड़ा भी है, यही मैं खाना बना रही हूँ। और मेरा फास्ट सिर्फ दिन भर का ये फास्ट रहता है, रात में आप खा सकती हैं। तो मैं बना रही हूँ, और क्योंकि दो दिन बाद फिर नवरात्रा है तो उसमें भी व्रत करना है, तो थोड़ा सा चटपटा कुछ खा लो। तो ये बेसन की सब्जी मैं बना रही हूँ अभी, और मैं मार्केट आने के बाद फिर ये कपड़ा खोल दी, क्योंकि थोड़ा हैवी कपड़े पे काम नहीं हो पाता है, तो फिर सिंपल डेली यूज का सूट पहन ली। तो ये सब्जी मैं बना रही हूँ, और आप लोग देखिए कि मेरा ये सब सामान मेरे देवर लेके आए हैं दिल्ली से। तो बात ये नहीं है कि वो लेके क्या आए हैं, बात ये फीलिंग का होता है कि वो लेके आए हैं, इस बात से काफ़ी खुशी मिला मुझे, और पहली बार लेके आए हैं तो अच्छा लगा। तो ये बेसन का मैं ये हलवा टाइप बना के ये सब्जी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ये हलवा टाइप बना के उसके बाद फिर वो बर्फी बर्फी काट के फिर छान के उसका ग्रेवी लगाना है। तो ये मैं डाल दी थी इसको थाली में फैला के, फिर पंखा में थोड़ी देर के लिए डाल दी थी, फिर अब बर्फी हुई काट के उसका, फिर एक कढ़ाई में उसको छान लेती हूँ, एक कढ़ाई में इसका ग्रेवी लगा देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। ऐसे एक ही कढ़ाई में बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये बर्फी है, देखिए ये कढ़ाई मेरा एक साइड सब्जी का चट गया, एक साइड उसको छानने के लिए, दोनों साइड मेरा काम हो रहा है। फिर और ये मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें पूरा फिश टाइप का मसाला डालती हूँ मैं, सरसों ये सब जैसे मछली में डलाता है उसी टाइप का, पूरा मछली जैसा ही सब्जी लगता है ये। तो ये सब्जी मेरा रेडी हो गया है, और चावल भी बन रहा है, और इधर पकौड़े का तैयारी कर लेती हूँ। तो पकौड़ा मैं आलू का बना रही हूँ, आलू को कद्दूकस करके, तो आलू का सब कुछ डाल के फिर इसको मिला लेती हूँ। पहले आलू को बहुत धोना पड़ता है ऐसे आलू में, फिर उसको वॉश करके फिर सारा पानी उसका निचोड़ दी, उसके बाद सारा कुछ इसमें डाल के मिला ली। अब इसका पकौड़ा मैं बना लेती हूँ। ऐसे आलू का जब भी बनाइए पकौड़ा, तो इसको कद्दूकस करने के बाद बहुत धोना होता है, बहुत इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद निचोड़ के फिर
नहीं तो फिर पानी भी आ जाता है, तो निचोड़ के उसको रख लीजिए, फिर पानी साइड हो जाएगा, फिर उसका पकौड़ा बनाइए। तो ये मेरे पास ज़्यादा कुकिंग आइडिया है नहीं, जो है जैसे मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये और ये देखिए ये मेरा पकौड़ा भी बन गया है। तो तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके सिर्फ कमेंट मत किया कीजिए, लाइक भी कीजिए।